हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सबको पता है आज है महालया, तो महालया की आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज इतना सुबह सुबह उठी हूँ, फर्स्ट टाइम मैं महालया में इतना जल्दी उठी हूँ। गाइस देखिए, 3:44 था, तो अभी 45 हुआ है। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ। उसके बाद में गाइस मैंने बहुत ही कष्ट से रेडी हुआ और पूरा रात अभी तक रह गया है। तो बहन के साथ निकल गई हूँ और पहले निकलने के बाद और आप लोग के साथ वीडियो नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ही अंधेरा था गाइस। तो अभी थोड़ा अंधेरा चला गया है, अभी दिखाई तो दे रहा है, इसलिए सोचा कि अभी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहन की फ्रेंड के साथ हम सब निकल गए हैं महालया में घूमने के लिए और सारे लोग भी आए हैं। और आज हम मंदिर में जाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या होगा आज के वीडियो में आप लोगों को शेयर करेंगे गाइस। तो उसके बाद में मम्मी आई है और मम्मी और हम लोग एक साथ तो फ्रेंड्स इस मंदिर के सामने बहुत ही भीड़ था और बॉक्स बजाकर लोग बहुत ही नाच रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ पर आए, प्रणाम किए, मंदिर के अंदर में नहीं घुसे थे। उसके बाद में सब लोग बुला रहे थे चाय पीने के लिए और सुबह सुबह उठ रहे, तो गाइस पता चल रहा है ना, सर तो दर्द करेगा ही। तो मैं मम्मी और मेरी फ्रेंड की बहन है वो, तो उसके साथ सब मिलकर हम लोगों ने चाय पिए है, मस्ती करके। बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम में किसी रास्ते पर आकर हम लोग चाय पी रहे थे, वो भी मम्मी के साथ। तो सोचिए गाइस, तो उसके बाद में चाय पीने के बाद फिर से हम लोग निकल गए थे टी गार्डन में। तो आप लोग साथ धीरे धीरे सब वीडियो शेयर करेंगे। और महालया में निकले हैं और माँ दुर्गा का काशफुल नहीं लेंगे, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो मैं और मेरी फ्रेंड की बहन के साथ जो लड़की आई थी उसके साथ मिलकर हम लोगों ने लिए काशफुल। उसके बाद में हम लोग निकल गए। उसके बाद में गाइस बहुत ही प्रॉब्लम का सामना कर हम लोगों ने घुसे है टी गार्डन में और जाकर यहाँ पर फोटो खींचे, वीडियो बनाए। उसके बाद में एक दीदी थी तो उनका गाड़ी में उठे, उसके बाद में हम लोग आ गए हैं बहुत ही आराम से। जाने का टाइम बहुत प्रॉब्लम हुआ लेकिन आने का टाइम बहुत ही आराम से आ गए थे। तो उसके बाद में घर पर जाएंगे और बाकी का काम होगा। तो सब लोग शर्म कर रहे थे वीडियो में नहीं आने के लिए, फिर भी हो सके मैंने जितना हो सके उन लोग को उठाया था। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही।